दिवेश। दिवेश कहाँ से आए सर? जानकीपुरम से। जानकीपुरम, एज क्या है? एज 38। 38। कॉन्टेक्ट नंबर क्या हुआ सर? क्या हुआ? एक मिनट सर, सर मैं बुला के लाती हूँ मैम फोन डॉक्टर को। मैम बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? एम्बुलेंस को कॉल करो, इनका शूज उतारो, पैरासिट बिठाइए, ठीक है, नीज आप फोल्ड करो ऐसे, अदरक लेके आओ फटाफट, अनूप या लाल मिर्च हो या लहसुन कुछ भी, इसको छील के लेके आओ। इनकी चेस्ट की पोजीशन आगे को करें, लीजिए इसको आप चबाइए, इसको चबाना शुरू करिए, जोर जोर से चबाइए जब तक आंसू ना आने लगे आपको। एक कटोरी में ठंडा पानी लेके आओ और तौलिया लेके आओ एक। यहाँ पे रखो इसको, इसको चबाइए और चबाइए जब तक आंखों से आंसू ना आने लगे, तब तक चबाइए इसको। देखिए अभी आपने देखा जो हमारे पास पेशेंट हैं, इनको चेस्ट पेन की परेशानी शुरू हुई, और पहला स्टेप जो होता है जब तक हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं उसके पहले जो 5 सेकंड होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पेशेंट के पोस्चर पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें पेशेंट को हमने पहले घुटने फोल्ड करके, पैर ऐसे फोल्ड करके बिठाना है, चेस्ट को आगे की तरफ करके, आप रिलैक्स होके हाथ इसको ऐसे करिए धीरे धीरे, और इसके बाद हमारे पास अगर अदरक है, लहसुन है या लाल मिर्च है, देखिए अदरक लहसुन या लाल मिर्च इन तीनों में से जो भी चीज़ आपको मिल जाए उसको आपको एक टुकड़ा लेके पेशेंट को देना है चबाने के लिए। उसके बाद जब तक चबाना है जब तक आंखों से आंसू ना आने लग जाए। ये तीनों चीजें जो होती हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड का अच्छा सोर्स होती हैं, जिससे आपका जो कार्डियक अरेस्ट जो स्टार्ट हो रहता है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जब तक आप ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं उसी साथ में एक कटोरी में ठंडा पानी लेके और इस तरह से टॉवल लेके इसको भिगा के इसका माथे पे ठंडा सेक देना है। आप इसके अलावा जब तक आप ये कर रहे हैं तब तक आप एक लोअर लेग वाटर इमर्शन करवा सकते हैं। देखिए अब इनकी आंखों में आंसू आने लगे हैं जब इन्होंने जो अदरक चबाई है उसकी वजह से। अब कैसा लग रहा है? पहले से बेटर हो रहा है? दर्द में आराम हो रहा है? पहले से बेटर लग रहा है, आराम लग रहा है? ठीक है, अभी इनके लिए हम एक, जब तक पानी गर्म करवा रहे हैं, एक लोअर लेग वाटर इमर्शन करवाएंगे। इसके अलावा हम इन्हें हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो पहले 5 सेकंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि तुरंत एम्बुलेंस हमें नहीं मिलती है। एम्बुलेंस के आने से पहले पहले हमें इनको पहले तो पोस्चर, पहला 5 सेकंड हमें इनका पोस्चर जो है चेंज करवाना है, घुटने फोल्ड होने चाहिए और चेस्ट जो है घुटने की तरफ से आपको मोड़ना है। उसके बाद आप तब तक जो भी अदरक लहसुन या लाल मिर्च इनमें से कुछ भी मिल जाए वो आपको एक टुकड़ा चबाने के लिए देना है। इसके अलावा आप माथे पे ठंडा सेक दे सकते हैं, और इसके साथ साथ तब तक पानी गर्म करने के लिए आप बोल दीजिए, जिससे आप लोअर लेग वाटर इमर्शन करवाएंगे। घुटने तक पैर को पानी में, गर्म पानी में 45 डिग्री टेम्परेचर पे पैरों में डुबा के रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी होती है वो भी आप करवा सकते हैं, और जब भी ऐसा कोई पेन वगैरह हो उस दिन आप पेशेंट को फास्टिंग पे रखिए, सिर्फ कोकोनट वाटर फास्टिंग पे। अभी पहले से रिलैक्स लग रहा है आपको? हाँ डॉक्टर। ठीक है, धीरे धीरे करके जब ये आप जब भी ये अदरक है या लहसुन है इसको आप हमेशा अपने पास कैरी भी कर सकते हैं। कोई भी कार्डियक पेशेंट है वो लहसुन अदरक या छोटा लाल मिर्च का टुकड़ा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कभी भी चेस्ट में पेन होना शुरू हो तो सबसे पहले एक टुकड़ा अदरक या लहसुन या लाल मिर्च आपको तेजी से चबाना है, जिससे आंसू आना शुरू हो जाए। एम्बुलेंस के आने से पहले आप ये कुछ चीज़ें जो हैं कर सकते हैं जिससे पेशेंट की जान बचाई जा सके। यहाँ ये हम यहाँ पे अपने हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ में यहाँ पे हम ये करते हैं। यहाँ हमारा सारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, यहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका विश्वास,
हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ।